हेलो सुपर लर्नर्स, इस वीडियो में मैं प्रूफ के साथ आपके साथ बात करने वाला हूँ कि कैसे साइंस की 5-4-1 स्ट्रेटेजी आपको हेल्प कर सकती है 40 out of 40 मार्क्स स्कोर करने में, वो भी बिना ज्यादा टेंशन लिए हुए, बिना ज्यादा मेहनत करे हुए। बस आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है और कंसिस्टेंट रहना है। माय नेम इज शिवम झा, आई एम एडुकेटर बाय चॉइस, एंड एमडी कोच एंड क्रिएटिव लर्नर। मैंने आपको बता दिया कि इस वीडियो में हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं, और हाँ, जो भी मैं बात करूंगा उसके बारे में मैं प्रूफ भी दूंगा आपको, आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आपके साथ अपने आरंभ बैच के बारे में भी शेयर करने वाला हूँ। तो आप में से जो लोग भी मुझसे ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करके सीखना चाहेंगे, मतलब होता है ना कि हम स्ट्रैटेजी वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन बाद में वो फॉलो नहीं हो पाता है, क्योंकि एक राइट गाइडेंस, हैंड होल्डिंग, सपोर्ट चाहिए होता है। तो जो लोग वो चाहिए जिनको, और बाकी सब्जेक्ट के लिए भी, वो हमारे आरंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये है बोर्ड का पेपर, ठीक है, दिस इज अ बोर्ड पेपर। और ये बोर्ड पेपर का कब का बोर्ड का पेपर है, ये है आपका 2022, तो लेटेस्ट पेपर उठा लिया। आप चाहिए तो मैं आपको सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इसमें अगर आपको मैं दिखाने जाऊँ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, नहीं आपको भी नहीं दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे हमारे पास सारे पेपर्स हैं। 2020 आपने यहाँ पे देख लिया होगा, ठीक है, इसके बाद 2019 का पेपर है, जितने भी साइंस के पेपर हुए हैं आपके सिलेबस के हिसाब से, वो सारे पेपर्स यहाँ पे है। आप ये सेम स्ट्रेटेजी किसी भी पेपर में लगा के देख सकते हैं, आपके लिए कितना हेल्पफुल रहेगा। थोड़ा सा स्ट्रेटेजी को समझाता हूँ। स्ट्रेटेजी कहता है कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट, मतलब साइंस के, आपको 5 चैप्टर्स को, ठीक है, मेरे सारे लर्नर्स इसी स्ट्रेटेजी से पढ़ रहे हैं, ठीक है, साइंस के आपको 5 चैप्टर को आपको एकदम परफेक्ट करना है। एकदम परफेक्ट मतलब एकदम परफेक्ट, ठीक है, कि आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए आप उस प्रश्न का उत्तर जरूर दे सके। फिर ये स्ट्रेटेजी कहता है कि 4 चैप्टर जो होंगे, ठीक है, वो आप लोग कैसे पढ़ोगे, आप लोग उसको नियर अबाउट परफेक्ट करोगे, मतलब आपका 90% परफेक्शन होगा 4 चैप्टर में, ठीक है। ये 4 चैप्टर पीछे के ऊपर के 5 चैप्टर से अलग होने वाला है। और हमारी स्ट्रेटेजी कहता है कि 1 चैप्टर को हम लोग ऑप्शन में डाल देंगे, लेकिन ये सब हम डिसाइड कब करेंगे, ये सब हम बहुत पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद डिसाइड करेंगे। एटलीस्ट एक बार, मतलब हम जनवरी तक, अगले 2 महीने के अंदर इसको फाइनल कर लेंगे कि वो कौन से 5 चैप्टर होंगे। कोई भी 5 चैप्टर चल सकता है, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, ठीक है, 4 चैप्टर कौन से होंगे और वो 1 चैप्टर कौन सा होगा जो हम छोड़ देंगे। लेकिन हम पढ़ तो 10 चैप्टर रहे, तो हम पहले तो सेफ साइड में आ गए, उसके बाद हम डिसाइड कर रहे हैं कि इन 5 चैप्टर को मैं एकदम परफेक्शन हासिल करने वाला हूँ, ये 4 चैप्टर को मैं नियर अबाउट परफेक्ट करूंगा और ये 1 चैप्टर मैं नहीं पढ़ूंगा। इस तरीके से पहले तो 20 में से हमारे 18 चैप्टर हो जाएंगे, एक एक चैप्टर दोनों तरफ से कम हो जाएगा। साथ ही साथ हमको पूरे 18 चैप्टर्स के बारे में नहीं सोचना, हमें 20 चैप्टर्स के बारे में नहीं सोचना है, हमें केवल और केवल 10 चैप्टर को परफेक्ट करना है और इन चैप्टर्स को नियर अबाउट परफेक्ट करना है, तो हमारा जो मेंटल स्ट्रेस है वो भी घट जाएगा। अब तुम में से कई सारे लोग बहुत ही ज्यादा अकलमंद है और उनके मन में सवाल आएगा कि भाई ऐसे ऐसे हैं, हमको प्रूफ दो, तो वो प्रूफ भी तुम लोगों को दे देता हूँ मैं। चलिए मैं अपने स्क्रीन पे चलता हूँ और आप लोगों को प्रूफ देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये है बोर्ड का पेपर। मैं आप लोगों के साथ ना सबसे सिंपल चैप्टर्स ले लेता हूँ जो सबसे छोटे छोटे हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जो कि एक बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। ग्रेविटेशन आप लोगों का फेवरेट चैप्टर नहीं ले रहा हूँ, आप लोगों का दिल तोड़ रहा हूँ। इसके बाद चलो मैंने एक चैप्टर ले लिया जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एक केमिस्ट्री से एक और ले लेते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद मैंने एक और चैप्टर ले लिया, मान लो ये 5 चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं एग्जांपल के लिए, ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो। मैं ले लेता हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर मैं एक और चैप्टर ले लेता हूँ, लेट्स से लेंसेस, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने लेंसेस ले लिया, मुझे इजी लगता है, दोनों लाइट से रिलेटेड है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं एक और चैप्टर ले लेता हूँ, पीरियोडिक ले लिया, केमिकल ले, रिफ्रैक्शन ले, लेंसेस ले लिया, 1, 2, 3, 4। अब मैं एक और चैप्टर ले लेता हूँ, लेट्स से कि स्पेस मिशन, ठीक है, मतलब आपको अब समझ में आ रहा होगा मेटलर्जी, कार्बन कंपाउंड्स, ग्रेविटेशन, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको मैंने नहीं लिया है। तो ये मेरे वो 5 चैप्टर हो जाएंगे जिनको मैं परफेक्ट करूंगा। मुझे देखना है कि बस ये 5 चैप्टर पढ़ के मैं कितने नंबर ला सकता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपने वो 4 चैप्टर के लिस्ट में बाकी के डाल दूंगा जो नियर अबाउट होने वाला है मेरा परफेक्ट। तो मैंने इसे यहाँ पे डाल दिया ग्रेविटेशन, ये मेरा नियर अबाउट परफेक्ट रहेगा, नॉट परफेक्ट, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा इस पे मैं, ठीक है, बच्चा हमेशा ग्रेविटेशन ही पढ़ते रहता है, ये कमाल है, ठीक है। इसके बाद इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 4 चैप्टर में मेरा आ जाएगा, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब ये ऐसा सीन है कि इसका आंसर मुझे आ भी सकता है एग्जाम में, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, मैं ऐसे रैंडमली चैप्टर के नाम ले रहा हूँ, ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स, और मैंने डाल दिया मेटलर्जी, ये मेरे 4 चैप्टर हो गए, ये मैं जनवरी में मैंने डिसाइड किया लेट से। और एक चैप्टर जो मैंने ऑप्शन में डाल दिया बचा क्या मेरे हिसाब से, ये सारे तो हो ही गया ऑलमोस्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6, 7, 8, 9,
तो कौन सा चैप्टर बच गया? ग्रेविटेशन हो ही गया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, हीट बच गया। तो मैंने हीट को ऑप्शन में डाल दिया, हीट अब मैं नहीं पढ़ूंगा, लेट्स मैं हीट नहीं पढ़ने वाला हूँ। और लेट्स कि मैं जा रहा हूँ 2022 का पेपर देने, अब मुझे देखना है कि मैं कितना मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ। मैं ये भी मान के चलता हूँ कि इनमें से मेजोरिटी आंसर, जो ये चार चैप्टर है ना, इन चार चैप्टर में से जो मेजोरिटी आंसर है वो मुझे नहीं आएगा, मैं ये मान के चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि अगर मैं केवल और केवल ये पांच चैप्टर्स का अटेम्प्ट करता हूँ तो मुझे कितना मार्क्स मिलता है। तो सबसे पहला जो मैं क्वेश्चन दिख रहा है, क्या हमने मेटलर्जी पढ़ा था? हमारे लिस्ट में है मेटलर्जी नहीं है, तो पहला क्वेश्चन तो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा, ये तो एकदम क्लियर बात है। ये वाला क्वेश्चन मैं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ये वाला भी मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, हालांकि बहुत सिंपल है। ये वाला मैं कर पाऊंगा क्योंकि लेंसेस से, और ये वाला भी मैं कर पाऊंगा क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। तो क्वेश्चन नंबर वन में मेरे को पांच में से कितने मिल गए? क्वेश्चन नंबर वन में मुझे पांच में से तीन मार्क्स मिल गए, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा इसको स्क्रीन को भी सही कर लेना, तो ठीक है, स्क्रीन भी सही नहीं है तो स्क्रीन को भी थोड़ा सही कर लेते हैं कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियरली दिखे, ठीक है। चल तो पांच में से तीन नंबर मुझे यहाँ पे मिल गया। फिर यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ तो ये स्पेस मिशन से मैं कर पाऊंगा, ये वाला पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से तो मैं कर पाऊंगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से तो मैं कर पाऊंगा, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैंने नियर अबाउट परफेक्ट किया, तो मैं मान के चलता हूँ कि ये छोटा सा जो क्वेश्चन है, एंड इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी शायद मैं कर पाऊंगा, लेकिन मैं अभी बोल देता हूँ कि नहीं कर पाया मैं, ठीक है, ये कर लूंगा मैं, बहुत सिंपल है। अब कार्बन कंपाउंड मैंने नियर अबाउट परफेक्ट किया तो शायद मैं कर पाता, मगर मैं मान लेता हूँ कि ये भी मुझे नहीं आता, मैं एकदम बुद्धि मेरा एकदम भ्रष्ट हो चुका है। तो तीन यहाँ पे कितने मार्क्स हो गए? एक दो तीन, तो मैं यहाँ पे भी पांच में से तीन मार्क्स स्कोर कर पाया। अभी आगे बढ़ते हैं, और ये वाला क्वेश्चन मैं कर लूंगा क्योंकि ये मेरा परफेक्ट है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, लेंसेस मेरा परफेक्ट है तो ये भी मैं कर पाऊंगा, और ये वाला केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन भी मेरा परफेक्ट है तो मैं ये भी कर पाऊंगा। तो यहाँ पे से चार में से चार स्कोर कर लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो ही क्वेश्चन करने थे, तो एक क्वेश्चन को मैं ऑप्शन में भी रख देता हूँ कोई भी, तो भी मैं यहाँ पे जीत जाऊंगा। चलो यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर बी में, एनी थ्री, तो क्या ये ग्रेविटेशन का है? मेरा नियर अबाउट परफेक्ट था तो मैं मान लेता हूँ कि मैं नहीं कर पाया, ये हीट मैंने ऑप्शन में डाल दिया था तो कतई नहीं कर पाया मैं, इसको तो छोड़ ही देता हूँ, ठीक है। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मैंने परफेक्ट किया था तो मैं ये कर लूंगा, और ये मेटलर्जी मैंने नियर अबाउट परफेक्ट था तो मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। हालांकि मैं कर भी सकता हूँ, नियर अबाउट परफेक्ट है मेरा, ऐसा नहीं कि मुझे कुछ नहीं आएगा, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है। ये वाला इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नियर अबाउट परफेक्ट है तो मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया, अभी हम लोग यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, इसमें कितने मार्क्स मिलेंगे हमें? हम केवल और केवल एक ही क्वेश्चन कर पाए तो हमको इसमें से दो ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, इसके अलावा हमें कोई भी मार्क्स यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये हमारी बदकिस्मती, ठीक है। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री है, इसमें मैं ये वाला कर पाऊंगा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये वाला कर पाऊंगा मैं, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, लेकिन ये मुझे लगता है सब लोग कर पाएंगे यार, ये केपलर्स लॉ वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये मुझे लगता है सब कर पाएंगे, लेकिन मैं इतना गया गुजरा बच्चा हूं कि मैं ये भी नहीं कर पाऊंगा, लेट से, ठीक है, क्योंकि मेरा नियर अबाउट परफेक्ट है ना ये, गधे तो नहीं हो सकते हो तुम, ठीक है। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में कर पाऊंगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कर पाऊंगा, मेरे को इसमें पांच ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तीन मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। हीट तो मैं नहीं कर पाऊंगा भाई, बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, मैंने पढ़ा ही नहीं है। फिर ये रिफ्रैक्शन, ये लेंसेस से तो ये भी मैं कर पाऊंगा, चार हो गए, और ये मेरा स्पेस मिशन से एक पहला क्वेश्चन स्पेस मिशन से भी मैं कर पाऊंगा, तो इसमें मैं पांच के पांच क्वेश्चन को मैंने परफेक्ट किया था और मैं कर पाया तो मुझे 15 में से 15 मार्क्स मिल गए, देखो कमाल हो गया, राइट। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये भी मैं शायद कर सकता था लेकिन मैं मान लेता हूँ मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं भ्रष्ट है मेरा बुद्धि आज, ठीक है। अब इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन यहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स का, ठीक है, बट अगर मैं इन क्वेश्चंस को अगर मैंने नियर अबाउट भी परफेक्ट किया है, ठीक है, तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि पांच में से एटलीस्ट नहीं भी, तो अब मैं हर जगह क्यों काटूं, तो हमको मिलना भी चाहिए ना, पांच में से एटलीस्ट मैं तीन मार्क्स का तो लिख पाऊंगा, बहुत सिंपल का क्वेश्चन है। ये डायग्राम देख करके मुझे बोल रहा है क्या डायग्राम है, मुझे पता है भाई ये डायग्राम क्या, जनरेटर एक मार्क मिल गया, ठीक है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इतना तो आना ही चाहिए भाई, ठीक है, इसका यूजेस क्या है, चलो प्रिंसिपल भी नहीं आएगा, अरे यूज तो आ जाएगा ना, दो मार्क्स इधर हो गए, ठीक है, वर्किंग क्या है उसका, वर्किंग भी नहीं आया, चलो तो इसमें से हम दो मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके दो के नाम नहीं लिख सकते आप, पूरा चैप्टर पढ़ने का कर सकते हो ना, छोटी सी बात है, डॉट्स होमोलोगस सीरीज को डिफाइन नहीं कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अगर पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं तीन मार्क्स लेके आ पाया। अभी हम लोग एक बार टोटल करके देखते हैं कि बस हमने फोकस किया कि हमने ये पांच चैप्टर्स के बारे में कैलकुलेट किया, बाकी तो हमने इसको बोला कि नहीं आया, हम लोग गोल गोल कर दिया मैंने, उसमें से भी मैं मान के चलता हूँ 50% तो आएगा ना मुझे जो गोल गोल किया है। तो अभी पहले कैलकुलेट करते हैं कि केवल और केवल पांच चैप्टर से कितने मिल गए, तो इसको भी मैं छोड़ देता हूँ, इसको भी मैं मानता ही नहीं हूँ अभी के लिए नहीं मानता हूँ। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मुझे 15 मिल गए, 15 और 2 कितने हो गए 16, 17, 17 4 18, 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो मैंने देखा कि अगर मैं केवल और केवल ये पांच चैप्टर पढ़ के जाता हूँ तो मुझे 27 मार्क्स मिल जाता है आउट ऑफ 40, मैंने बाकी कुछ किया ही नहीं,
50% से ज्यादा मार्क्स है, 50% ऑफ द सिलेबस पढ़ के 50% से ज्यादा है। अकल लगाओ बे, लोग मिसगाइड करते हैं तुमको। इसके बाद ये वाले चैप्टर्स में से अगर मैं मान लेता हूँ कि मैं 50% भी अटेम्प्ट कर पाया लेट से, ठीक है, तो जो जो मैंने गोल किया मैं मान लेता हूँ कि अब मैं वो कर पा रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने ये वाला गोल किया, ये वाला मैंने किया, तो ऑब्जेक्टिव तो कर ही लूंगा ना मैं, तो दो मार्क्स इधर बढ़ गए, दो मार्क्स इधर बढ़ गए, तो ये कितना हो गया, दो मार्क्स बढ़ गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरा दो मार्क्स चार मार्क्स बढ़ गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तुम्हारे लिए, ठीक है, कहाँ गया भाई, इसमें मैंने मार्क ही नहीं किया, मैंने किया तो था, अभी मिट गया होगा, राइट, अभी मिट गया होगा, चलो मैंने मिटा दिया होगा। तो 2022, अच्छा ये सेम पेपर डुप्लीकेट हो गया, एनीवेज यहाँ पे सेम ही पेपर डुप्लीकेट हो गया, तो यहाँ तक हो गया, तो यहाँ पे दो मार्क्स मुझे मिल जाएगा। अब देखो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, केपलर्स लॉ वाला, ये मुझे करने की जरूरत भी नहीं, ऑप्शन में निकाल दिया मैंने, ठीक है। बट अब मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ पे से क्या मैं एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं ये भी नहीं बता सकता कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, सोच के देखो। अरे इतना तो बता ही सकता हूँ ना मैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, तो यहाँ पे भी तो मेरे दो मार्क्स बढ़ सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि भाई हमको बता दो हुप्स अपरेटस, ये तो हमने छोड़ ही दिया था बिल्कुल, क्या ये ग्रेविटेशन में साल भर पढ़ने का दो न्यूमेरिकल नहीं कर सकता, तो यहाँ भी मेरे चार मार्क्स बढ़ सकते हैं। अरे चांसेस है ना, मैं चांसेस की बात कर रहा हूँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल चांसेस की बात कर रहा हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि वहाँ पे भी मेरे चार मार्क्स बढ़ने के चांसेस हैं, बस अगर मैं ईमानदारी से स्ट्रेटेजी को फॉलो करता हूँ तो। और उसके बाद यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कोई ना कोई एक तो आना चाहिए अपने को, ये वाला या ये वाला एक तो कोई आना चाहिए, तो पाँच मिलने चाहिए, लेकिन कायदे से फिर भी हम लोग तीन मार्क्स ही मान के चलते कि अपने को पाँच नहीं तीन ही मार्क्स मिला, तो यार और तीन मार्क्स बढ़ा देता हूँ। अब मुझे बताओ कितना हो गया, 27 और 3, 28, 29, 30, 30 और 8, 38 मार्क्स, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं तो हमने देखा कि हमें 40 में से 38 मार्क्स मिल गए बिना किसी टेंशन के। ये एक पेपर के साथ मैंने बताया भाई, मजाक से हट करके मैंने सारे पेपर्स के साथ मेरे लर्नर्स के साथ शेयर किया जो भी मेरे आरंभ बैच में। अब मैं आप लोगों को छोटी सी बात बताता हूँ कि हमारा आरंभ बैच क्या चीज है। आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बट यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें थोड़ा करके समझाना चाहता हूँ। आरंभ बैच में सारे क्लासेस लाइव हो रहे हैं, आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा कि सारे क्लासेस लाइव है आरंभ बैच के, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, एक सेकेंड, ओके, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपके लिए टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है सारे सब्जेक्ट के। इसके अलावा यहाँ पे नोट्स आपको मिल जाते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में जो भी टीचर पढ़ाता है। इसके अलावा जो हैंड रिटन नोट्स भी होता है जो मतलब टीचर लिखता है वो भी आपको मिल जाएगा अगर आपको चाहिए तो। ये आपको एग्जाम तक एक्सेस रहने वाला है इसका। देखो ये क्या है, 2023-4 मतलब अप्रैल तक, मार्च में आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपके पास एक्सेस रहेगा, लाइव क्लास होगा, लाइव क्लास को आप ऑफलाइन डाउनलोड करके भी रख सकते हो, रिकॉर्डिंग्स को मतलब रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी, आप पीसी पे भी देख सकते हो इसको, आपको कोर्स सर्टिफिकेट बोल दो। देखो सारे लाइव क्लास शेड्यूल्ड है, मतलब ऐप के ऊपर ही लाइव क्लास होते हैं, जूम वगैरह गूगल मीट वगैरह पे नहीं होता है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है कि आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो 2500 रुपीज, अगर आप यहाँ पे मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे जाकर के आरंभ बैच पे जाना और ओवरव्यू में थोड़ा सा स्क्रॉल करना, एकदम एंड में आपको देखने को मिलेगा पे इन इंस्टॉलमेंट, पे इन इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करोगे ऐसा लिख के आ जाएगा कि भैया आप 1250 करके दो इंस्टॉलमेंट दे सकते हो। मान लो कि आपने पहला इंस्टॉलमेंट दे दिया और अगला इंस्टॉलमेंट आप नहीं देते हो तो आपका कोर्स का एक्सेस चला जाएगा, कोई लोन वोन नहीं ले रहे हो तुम उससे, पॉइंट ऐसा आप तोड़ तोड़ के मुझे पैसा दे रहे हो, दैट्स इट, ठीक है। तो आप पे इन इंस्टॉलमेंट कर सकते हो, बहुत सिंपल सा तरीका कर दिया मैंने आप लोगों के लिए। और इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट खरीदना चाहते हो तो 2500 रुपीज का कोर्स आप डायरेक्ट भी खरीद सकते हो। लेट मी रिपीट माई सेल्फ, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप कर सकते हो, डायरेक्टली यहां से भी कर सकते हो और बाद में उसी नंबर से ऐप पर लॉग इन कर सकते हो। आरंभ बैच में आपको ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं, डेली क्लासेस होते हैं, क्लासेस की जो टाइमिंग है वो 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का है और एक क्लास सुबह में भी होता है, बट दैट इज नॉट अ कंपलसरी क्लास। यहाँ पे दिख रहा होगा 5:30 से 6:30 क्लास होता है एक डेली, वो कंपलसरी क्लास नहीं है, उसमें हम लोग डाउट क्लियरिंग करते हैं, क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। तो आप आना चाहते हो आओ, नहीं आना चाहते हो मत आओ, ये सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड है इसमें। और डेली मतलब 2 घंटे मान के चलो, 3 घंटे का क्लास होता है लगभग, ठीक है। और आरंभ बैच उन लोगों के लिए है जो क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में है, 2023 में अपना बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई भी ज्यादा जरूरी जानकारी है जो आपको शायद चाहिए होगा। इंस्टॉलमेंट में कैसे पे कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया, ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करना, अपना लॉग इन वगैरह कर लेना, उसके बाद सीधे थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल करना ओवरव्यू पे, नीचे आपको सेम यही लिखा हुआ दिखेगा, पे इन इंस्टॉलमेंट्स रनिंग आउट ऑफ बजट, इंस्टॉलमेंट में फीस, आप इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो, मुझे लोन नहीं दे रहे हो, ईएमआई नहीं दे रहे हो। आपने लेट से कि आज लिया तो आज आपने ले लिया मुझसे, ठीक है, आपने परचेस कर लिया मेरे से, तो आज कितना तारीख है, आई थिंक 7 तारीख है, आज 7 तारीख को आपने आपका डेट ऑफ परचेस हो गया, अगले 7 तारीख तक आपको क्या होगा, नेक्स्ट ईयर मतलब 30 दिन बाद आपको नेक्स्ट भरना पड़ जाएगा इंस्टॉलमेंट। अगर आप नहीं भरोगे कोर्स का एक्सेस खत्म हो जाएगा, जैसे आप भरोगे आपको वापस एक्सेस मिल जाएगा, सिर्फ सब ऑटोमेटेड है, ठीक है। बच्चों का फीडबैक भी नीचे, वो भी आप जाके पढ़ सकते हो, साइंस ही नहीं मैथ्स भी,
हर सब्जेक्ट के अलग टीचर है, इंग्लिश के अलग टीचर्स है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैथ्स का लेक्चर शेड्यूल्ड है, एंड टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, इंग्लिश का लेक्चर शेड्यूल्ड है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यहाँ पे आप देख सकते हो, ज्योग्राफी चैप्टर 6 हम टर्म 2 पहले पढ़ रहे हैं, टर्म 1 बाद में पढ़ेंगे, टर्म 1 टर्म 2 दोनों कवर करने वाले हैं, उसके लेक्चर शेड्यूल्ड है, तो आपको ये सब दिख रहा होगा। ठीक है, एक हफ्ते का लेक्चर हम शेड्यूल करके रखते हैं और संडे संडे बाद में फिर से शेड्यूल कर देते हैं। क्या आपको दिख रहा है कि हम लेक्चर किस तरीके से शेड्यूल करते हैं, कैसे हमारे लेक्चर्स होंगे? लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो, और अगर आपका बजट है तो आप वन टाइम 2500 पे कर सकते हो, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, बस ये वन टाइम फीस है, वन टाइम फीस ओनली 2500 रुपीज। थैंक यू सो मच। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ आरंभ बैच एंड अवर ऐप, हमारे ऐप का इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, आरंभ बैच का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। आपको कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको सामने से कॉल बैक करूंगा, और कॉल उठाना फिर, ठीक है, कॉल उठाना, अगर सच में क्वेरी है तो कॉल उठाना, और नहीं है तो फिर फालतू में मैसेज मत करना। चलिए, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे अगर आपको समझ में आ गया कि भाई साहब 5-4-1 स्ट्रेटेजी क्या है, तो अब आपको ये भी पता है कि हम किस तरीके से स्कोर कर सकते हैं। अब सेम अलग अलग चैप्टर के साथ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा करके चेक जरूर करना, आपने 2020 के पेपर के साथ चेक करके देखना एक बार, मैंने आपको 2022 का बताया, आप एक बार 2019 के पेपर के साथ चेक करके देखना, ठीक है, 2019 के पेपर के साथ चेक करके देखना। आपको आरंभ बैच में सारे के सारे बहुत सारे टेस्ट सीरीज वगैरह मिलने वाले हैं, और मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ कि आप में से जिसको भी ये वाला पीडीएफ चाहिए, मैं अभी देखो आपके सामने ही यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है, अभी हम लोग टेलीग्राम पे इसको डाल भी देता हूँ, मैं हमारे क्लास 10th का टेलीग्राम ग्रुप है, उसको सिंपली आप सर्च करते हो शुभम झा क्लास 10th, अभी मैं रिकॉर्डिंग चालू में डाल देता हूँ कि कोई भी बच्चा बाद में ये ना बोले कि हमको नहीं मिला, और आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, नहीं तो बच्चे बहुत मूर्खता भी करते हैं कभी कभी, अच्छा नहीं लगता वो। साइंस 1 का भी डाल दिया है और साइंस 2 का भी डाल दिया, चलो साइंस 1 का भी डाल दिया और साइंस 2 का भी डाल दिया, एक बार खोल करके दिखा भी देता हूँ मैं आपको। एक सेकंड, अभी यहाँ पे मुझे एक बार डिस्प्ले कैप्चर करना पड़ेगा इसके लिए, चलो यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ कहाँ है टेलीग्राम। हाँ ये देखो, ये क्लास 10th का टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे देखो दोनों पीडीएफ मैंने ऐड कर दिया, तो अब ये कोई नहीं बोलेगा कि पीडीएफ एडेड नहीं है, ठीक है, दोनों पीडीएफ मैंने ऐड कर दिया, आपको दिखा भी दिया, वहीं से आपको डाउनलोड करना है, मेरे को मैसेज करोगे पर्सनली कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, और बाकी सब्जेक्ट के भी डाले हुए टेलीग्राम पे, थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखना, ऊपर फाइल्स वगैरह में जाके देखना। थैंक यू सो मच, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी जिससे आप साइंस पढ़ सकते हो, एंड आरंभ बैच इज द बेस्ट पॉसिबल क्लास जहां पे आप पढ़ सकते हो, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। हम में से आप में से जो भी बच्चा आरंभ बैच में, प्लीज अपना फीडबैक नीचे लिख देना कि बाकी लोगों को लेने में आसानी हो। थैंक यू सो मच, दिस नंबर इज जहां पे आप व्हाट्सएप करके अपने डाउट पूछ सकते हो रिलेटेड टू आरंभ बैच, नो पर्सनल डाउट प्लीज। हैप्पी लर्निंग।